ईडी के सामने पेश होने से केजरीवाल का इनकार। केजरीवाल ने ईडी से नोटिस वापस लेने के लिए कहा। एमपी के सिंगरौली में आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो। आज ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से सवाल पूछे, कहा मुझे किस हैसियत से बुलाया गया, सीएम की हैसियत से या आम आदमी पार्टी कन्वेनर की हैसियत से। केजरीवाल बोले, केस की डिटेल बताएं या समन की वजह बताएं, ईडी बताए मैं संदिग्ध हूं या गवाह। ईडी के नोटिस पर अरविंद केजरीवाल का आरोप, कहा बीजेपी के कहने पर भेजा गया नोटिस, ईडी तुरंत नोटिस वापस ले। केजरीवाल ने कहा, चार राज्यों में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए मुझे भेजा नोटिस, ये गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित। केजरीवाल को समन पर भड़के दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा सत्ता के नशे में चूर है बीजेपी, हर छोटे राजनीतिक दल को कुचलने का प्रयास। दिल्ली बीजेपी ने एक्सपोस्ट पर आपको घेरा, केजरीवाल सिसोदिया और संजय सिंह की फोटो के साथ लिखा, लाना था स्वराज ले आए शराब। केजरीवाल पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तंज, कहा ड्रामा बंद करे केजरीवाल, अब जवाब देने का वक्त। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का अटैक, कहा जिस पाप के रास्ते चल रहे केजरीवाल उसका अंत कारागार में ही होना है। बीजेपी नेता हरीश खुराना का केजरीवाल सरकार पर तंज, सिर्फ सीएम नहीं पूरे कैबिनेट घोटाले में लिप्त, घबराहट सब दर्शाती है। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की रेड, सिविल लाइंस वाले सरकारी घर पर सुबह से ईडी कर रही है तलाशी। राजकुमार आनंद से जुड़े 9 ठिकानों पर ईडी कर रही है रेड, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ली जा रही है तलाशी। पेशी के लिए संसद पहुंची टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा, संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में बयान दर्ज कराने पहुंचे महुआ मोहित्रा, पेशी से पहले खारिज किए आरोप। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे, कांकेर में दोपहर 3 बजे चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का 15 दिन में तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा, कांकेर भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ सहित कई विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा का बयान, अच्छी तरह से समझते हैं वोटर्स कौन विकास के लिए काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की मीटिंग, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा चुनाव को लेकर समीक्षा की गई, कहा किसे क्या करना है इसकी प्लानिंग की गई। रायपुर में कांग्रेस के इमरजेंसी मीटिंग के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, कहा हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, आदिवासियों के जंगल और जमीन को बीजेपी बेचना चाहती है। छत्तीसगढ़ में सीएम के सवाल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, चुने हुए विधायक करेंगे फैसला। इंडिया अलायंस में पीएम फेस पर बोले खड़गे, चुनाव जीतने के बाद एक साथ बैठकर करेंगे फैसला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की दो टूक, मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर नगरनार स्टील प्लांट बेचने नहीं देंगे। राजस्थान के अलवर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा मोदी जी ने जो कहा वह करके दिखा दिया, विकास की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए काम किया। सीएम योगी ने किया इसराइल हमास जंग का जिक्र, कहा तालिबानी मानसिकता को कुचल रहा है इसराइल। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो सहना पड़ेगा तालिबानी मानसिकता। सीएम योगी ने कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र किया, कहा यूपी में वैसा होता तो पता है गर्दन काटने वाले का क्या होता। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कांग्रेस ने देश में समस्याएं पैदा किए, पीएम मोदी उसे सुलझा रहे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सीएम योगी पर पलटवार, कहा यूपी संभल नहीं रहा है, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तिजारा से बीजेपी उम्मीदवार बालकनाथ का आरोप, कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है, सीएम हाउस फतवा हाउस बन गया है। राजस्थान बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौड़ का बयान, प्रदेश की जनता कांग्रेस को हराएगी। जयपुर में कांग्रेस ऑफिस के बाहर महेश जोशी के समर्थकों का प्रोटेस्ट, हवा महल सीट से टिकट देने की मांग। राजस्थान के कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा टिकट कटने से नाराज, सुप्रीम कोर्ट कमीशन के चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। अपने नेताओं की नाराजगी पर बोले सीएम गहलोत, सभी को खुश नहीं किया जा सकता। केरली में कमलनाथ की रैली, कहा बीजेपी सरकार ने एमपी को पूरी तरह चौपट किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी से जनता त्रस्त, 20 साल से बीजेपी ने लूटा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। डिंडोरी की जनसभा में बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, बहन बेटियों की तरफ गलत नजर से देखने वालों को फांसी से लटका दिया जाएगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का दावा, एमपी में बीजेपी जीतेगी, विकास के बहुत सारे काम हुए। तेलंगाना में कांग्रेस का कालेश्वरम एटीएम कैंपेन, राहुल गांधी बोले सीएम केसीआर का सबसे बड़ा सिंचाई घोटाला। रंगारेड्डी में राहुल गांधी ने की पदयात्रा, कहा यहां के हर मंडल में खोलेंगे तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल। मिजोरम के सियाहा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में बेहतर कनेक्टिविटी की व्यवस्था की। मिजोरम की जनता से सोनिया गांधी की अपील, एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, चुनाव में कांग्रेस को जिताएं।
सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र को दोनों से है खतरा। बिहार में शिक्षक बहाली पर क्रेडिट लेने की होड़, नीतीश की सलाह के बाद भी आरजेडी ने फिर पोस्ट कर तेजस्वी को दिया क्रेडिट। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बीजेपी का नीतीश कुमार पर तंज, पोस्टर में लिखा ठग्गू के लड्डू, बिहारी करे सेवा, बाहरी खाए मेवा। बिहार के वाल्मीकि नगर में बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य, बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराकर हिंदुओं को बांटने का काम किया। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह बोले जनवरी 2024 से सड़कों पर नहीं दिखेगी गाय, चलेगा विशेष अभियान। बंगाल में रोजगार बढ़ाने के लिए सीएम ममता का ऐलान, 4 से 5 बड़े बड़े पावर प्लांट तैयार करेंगे। सीएम ममता ने केंद्र को दी चेतावनी, कहा 16 नवंबर तक मनरेगा का बकाया नहीं मिला तो अगली कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद के अटल ब्रिज पर पहुंचे, सीएम धामी ने खिंचवाई फोटो, साबरमती नदी पर बना है अटल ब्रिज। मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने किया जल त्याग, जालना में अनशन के 8वें दिन पानी पीने बंद कर दिया। मनोज जरांगे ने सरकार को वक्त देने से किया इनकार, कहा सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और आरक्षण कानून को पास करे। ठाणे के भिवंडी में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के पोस्टर पर कालिक पोती, मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने पोती कालिक। मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति, राज्य में हिंसा रोककर शांति स्थापित करने पर जोर। बैठक के बाद मराठा समाज के सीएम शिंदे की अपील, सरकार को थोड़ा वक्त देना होगा। उद्योग गुट के सांसद विनायक राउत के ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए मांगा समय, मराठा और धनगर आरक्षण पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। नागपुर में मराठा समाज के लोगों ने किया सामूहिक मुंडन, कहा शरारती तत्व कर रहे हिंसा। अबूधाबी में भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोगों के किया संबोधित। संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री से मिले धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग पर हुई बात। कल से 10 नवंबर तक भारत के दौरे पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, असम और महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले राजस्थान से आए किसानों का डेलीगेशन, उपराष्ट्रपति ने किसानों के साथ की बातचीत, फोटो भी खिंचवाई। जम्मू कश्मीर के डल लेक में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस डल परी की किया गया लॉन्च, डल झील के इलाके में मेडिकल इमरजेंसी के लिए होगा इस्तेमाल। दिल्ली में प्रदूषण में तेजी से बिगड़ रहे हैं हालात, आज AQI बहुत खराब श्रेणी में 343 दर्ज। दिल्ली में हर तरह सुबह सुबह छाई धुंध, अगले 15 दिन तक हालात में सुधार नहीं। दिल्ली से सटे शहरों में भी प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, नोएडा में AQI 397 दर्ज। यूपी के कई शहरों में भी प्रदूषण की मार, कानपुर में AQI बहुत खराब श्रेणी में। मुंबई में AQI का लेवल मध्यम श्रेणी में, चेंबूर, बड़ाला, मरीन ड्राइव समेत कई इलाकों में सुबह में छाई धुंध। पंजाब के भटिंडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में, आसमान में छाई धुंध। बिहार के छपरा में सरयू नदी में पलटी नाव, 2 लोगों की मौत, 10 लोग लापता, 7 लोगों को किया गया रेस्क्यू। नाव में 19 लोग थे सवार, सभी लोग खेती कर लौट रहे थे घर, तभी हुआ हादसा। मौके पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम पहुंची, लापता लोगों की तलाश जारी। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बस की टक्कर, 2 की मौत, 6 घायल। यूपी के इटावा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस के साथ एनकाउंटर में पकड़ा गया अपराधी। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली सहित यूपी के कई जिलों में इसके खिलाफ केस दर्ज। गुजरात के गांधीनगर में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़, पॉलिसी का रुपया निकालने के लिए करते थे धोखाधड़ी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 2 लड़कों पर हमला, पुलिस ने हमला करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया, मारपीट में घायल 2 लड़के अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस का एक्शन, 2019 में DSP अमन ठाकुर की हत्या वाली जगह को किया गया सीज। असम के कछार में 20,000 किलो बर्मी सुपारी जब्त, पुलिस ने तस्करी की जानकारी मिलने के बाद मारी रेड। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल नाव को भी जब्त किया, सुपारी को असम लाकर जंगलों में छिपाते थे तस्कर। मुंबई में 29 अक्टूबर को हुई महिला की हत्या में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बेटा ने मां का मर्डर किया और पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ी दिवस का आयोजन, थोड़ा डांस पर झूमते नजर आए लोग, तीर धनुष लेकर पारंपरिक नृत्य में शामिल हुए कलाकार। गाजा में इजराइल का एक्शन जारी, आज सुबह सुबह गाजा के आसमान में दिखे रॉकेट के हमले, सैटेलाइट तस्वीरों में गाजा में दिखी तबाही, हवाई हमलों में एक अपार्टमेंट भी हुआ ध्वस्त। IDF के बख्तरबंद डिवीजन के कमांडर कोहेन का दावा, गाजा पट्टी में गाजा शहर तक पहुंची इजरायली सेना। हमास ने शरणार्थी शिविर के इमारतों पर भी हमले का इसराइल पर आरोप लगाया, हमले में कई लोगों की मौत। इसराइल हमास जंग का 27वां दिन, दोनों तरफ के अब तक करीब 10,330 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में करीब 8,700 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि वेस्ट बैंक में 130 लोगों की मौत।
सूत्रों के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 33 पत्रकारों की हुई मौत। यूएन के मुताबिक राहत के काम में जुटे उसके 70 कार्यकर्ता जंग में मारे गए। इसराइल ने हमास को दिया बड़ा झटका। एंटी टैंक सिस्टम के प्रमुख मोहम्मद असर को मार गिराया। हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों पर गिराया बम ग्रेनेड फेंकने का वीडियो जारी किया। अल कासिम ब्रिगेड ने पूर्वी बीट हनून में इजरायली सैनिकों पर किया हमला। धमाके के बाद भागते नजर आए सैनिक। इजरायली सेना का दावा, हमास के कई ठिकानों को मिसाइल से किया टारगेट। अब तक 11,000 ठिकाने तबाह किए। दक्षिणी गाजा पर इजरायली हेलीकॉप्टर ने देर शाम भरी उड़ान। बॉर्डर के पास आसमान में बरसाए गए फ्लेयर्स। इजरायली हेलीकॉप्टर काफी देर तक गाजा की सीमा में रहा। कई इलाकों पर दिखी फ्लेयर्स की चमक। इजरायल ने गाजा पट्टी में फ्यूल पर लगाई रोक। सीमित मात्रा में भोजन, पानी और दवा की दी अनुमति। WHO ने तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने की भी अपील की। जंग के 26 दिन बाद भी अब तक केवल 5 इजरायली नागरिकों की हुई रिहाई। हमास ने 7 अक्टूबर को 240 इजरायली को बनाया था बंधक। लेबनान से इजरायल की सीमा पर एंटी टैंक मिसाइल से हमले तेज। इजरायली सेना का दावा, सभी मिसाइल किए गए नाकाम। इजरायली एयरफोर्स ने किया लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला। एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्च साइट को तबाह किया। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने भी इसराइल पर किया मिसाइल अटैक। ड्रोन की मदद से इजरायली शहरों को बना रहा है निशाना। हूती विद्रोहियों ने जारी किया मिसाइल और ड्रोन लॉन्च का वीडियो। कहा इसराइल पर तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक वो हमला नहीं रोकता। इजरायली नौसेना ने रेड सी में तैनात किए मिसाइल से लैस बोट। कहा किसी भी तरह के हमले से निपटने की है तैयारी। इजरायली एयर स्ट्राइक में जबालिया के रेफ्यूजी कैंप में भारी तबाही, कई इमारतें तबाह। इजरायली सेना ने हमास की चोरी का किया पर्दाफाश। गाजा के अस्पतालों में ईंधन की चोरी कर रहे हैं हमास के आतंकवादी। हमास चीफ इस्लाइल हनिये का दावा, गाजा में घुसने पर इसराइल की होगी हार। कहा अपनी हार को छुपाने के लिए कर रहा नरसंहार। हमास चीफ ने वीडियो संदेश जारी किया। कहा इसराइली बंधक भी फिलिस्तीनियों की तरह मौत का कर रहे हैं सामना। इसराइली रक्षा मंत्री गैलेंट का बयान, हमास के खात्मे तक जारी रहेगा IDF का हमला। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन कल फिर जाएंगे इसराइल। जॉर्डन का भी दौरा करेंगे ब्लिंकन। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला खुमैनी की मुस्लिम देशों से अपील, इसराइल को तेल और खाने की सप्लाई रोक दें। इसराइल पर डालें आर्थिक दबाव। आयतुल्ला खुमैनी ने गाजा पर इसराइल की बमबारी को बताया मानवता के खिलाफ अपराध। कहा बच्चों और निर्दोषों पर हमले रोकने चाहिए। प्राग में इसराइल के समर्थन में निकाली रैली। रैली को चेक प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला ने किया संबोधित। ब्राजील के बाद चीन ने नवंबर महीने के लिए UNSC का नेतृत्व संभाला। गाजा में युद्ध विराम पर देगा जोर। इनकम टैक्स रिटर्न का बनाया गया नया रिकॉर्ड। 31 अक्टूबर तक 7,85,00,000 से अधिक ITR दाखिल। पिछले साल की तुलना में 11.7% अधिक रहा संख्या। टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 6,511 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा। उत्पादन गिरकर 70,31,000 टन पर पहुंचा। वनडे रैंकिंग में नवंबर में पहले गेंदबाज बने पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी। 7 स्थानों की लगाई छलांग। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता गोल्ड। 50 मीटर राइफल 3P में स्वर्ण पदक जीता। एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिले PM। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुई मुलाकात। खिलाड़ियों से बोले PM, आपके प्रदर्शन से सारा देश उत्साहित है। आपने पुराने रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज डेविड विली का ऐलान, वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेंगे संन्यास। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण। प्रोग्राम में खुद सचिन तेंदुलकर रहे मौजूद। शाहरुख खान के घर के बाहर भारी संख्या में पहुंचे समर्थक। अपने जन्मदिन पर शाहरुख खान ने समर्थकों का अभिवादन किया। सुपरस्टार के बर्थडे पर मन्नत के बाहर फैंस ने जमकर आतिशबाजी की। मन्नत के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सलमान खान की आगामी फिल्म Tiger 3 की 5 नवंबर से शुरू होगी एडवांस बुकिंग। 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने की सगाई। हेलोइन लुक में गर्लफ्रेंड जैस्मिन को पहनाई रिंग। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म फाइटर की शूटिंग हुई पूरी। 25 जनवरी को होगी रिलीज।